हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव पर। आइएगा दोस्तों, इस सेशन में जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपके साथ में हम साझा करेंगे एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट, इसके अलावा अन्य कंप्यूटर की विविध भर्ती परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखता है और एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आइएगा हम लोग जो आपके साथ में जानकारी साझा करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग से संबंधित आपका एक टॉपिक है TCP/IP। कंप्यूटर नेटवर्किंग का टॉपिक है आपका। टॉपिक क्या है? टॉपिक है वो है आपका TCP/IP। अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करें तो जो इसका फुल फॉर्म है वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें TCP/IP, TCP/IP क्या है? तो TCP/IP की अगर हम बात करें आपके साथ, तो TCP/IP की अगर हम बात करें तो ये जो इंटरनेट की दुनिया है ना, उसका बुनियादी प्रोटोकॉल है। बुनियादी प्रोटोकॉल की बात करें तो इंटरनेट के लिए जो प्रयुक्त होने वाला प्रोटोकॉल है तो उसका आधार कहा जाता है TCP/IP को। अगर इंटरनेट हमें यूज करना है तो TCP/IP होना जरूरी है। इससे पहले की बात करें तो अभी वर्तमान समय में आप लोग जो स्टडी करते हो, वर्तमान समय में जो आप लोग स्टडी करते हो वो करते हो आप OSI मॉडल। उसी तरीके से हम आपके साथ में जो जानकारी साझा करने वाले हैं वो आपके साथ में जानकारी साझा करेंगे TCP/IP मॉडल के बारे में, क्योंकि विविध भर्ती परीक्षाओं में देखें तो TCP/IP मॉडल से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, OSI मॉडल की बात हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंतर्गत करेंगे, क्योंकि OSI लगभग लगभग बेसिक सा नॉलेज OSI का सबको होता है, ठीक है। बट TCP/IP के बारे में हमें कम नॉलेज होता है, तो हम TCP/IP की कंप्लीट डिटेल डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें TCP/IP, तो TCP/IP जो मॉडल है इसका दूसरा नाम इंटरनेट मॉडल भी होता है। इसको अन्य जिस नाम से जाना जाता है तो इसी को इंटरनेट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इंटरनेट के लिए, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त होने वाला यह है बुनियादी प्रोटोकॉल होता है। इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? इंटरनेट मॉडल के नाम से भी जानते हैं। आइएगा नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो इसी को DoD, DoD का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के नाम से भी जाना जाता है TCP/IP के। देखिएगा, अन्य नाम जब भी आपसे पूछे तो आप याद रखिएगा, इसी को इंटरनेट मॉडल के नाम से जानते, इसी को DoD के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये मुख्य रूप से, देखिएगा, आप सभी को भी मालूम होना भी चाहिए और होगा भी, अगर OSI मॉडल के बारे में आपसे पूछा जाए तो OSI आपका थियोरेटिकल मॉडल कहलाता है
और TCP IP की अगर हम बात करें, TCP IP मॉडल आपका कौन सा मॉडल होता है? प्रैक्टिकल मॉडल कहलाता है, प्रैक्टिकल मॉडल कहा जाता है। TCP IP को हम जिस नाम से जानते हैं उसे प्रैक्टिकल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन चार बातें जो मैंने आपको बताई कि TCP IP मॉडल है, इसका अन्य दूसरा नाम इंटरनेट मॉडल भी होता है, अन्य इसका तीसरा नाम DoD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी होता है। जब हम इंटरनेट के बुनियादी ज्ञान के बारे में बात करेंगे, इतिहास के बारे में बात करेंगे, तब जानेंगे DoD के बारे में। सर्वप्रथम जब इंटरनेट बनाया गया था, इंटरनेट को यूज किया गया था, ठीक है, तो ARPANET के नाम से इसे जाना गया था, और ARPANET को DoD डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा ही पहली बार प्रैक्टिकल रूप से काम में लिया गया था। तो वहां आगे की बातें हैं, अभी हम TCP IP के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये बातें जानना हमारे लिए जरूरी है। अगर हम इसके बात करें तो पहली बार TCP IP मॉडल की जो खोज की गई थी वो विंट कर्फ के द्वारा की गई थी, विंट कर्फ के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1969 के अंदर की गई थी। इसी को बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट भी कहा जाता है। तो इसी को, यानी कि TCP IP को बेसिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट, अर्थात ये वही बात है कि इंटरनेट के लिए प्रयुक्त होने वाला बुनियादी प्रोटोकॉल कहा जाएगा। तो किसे कहा जाएगा? TCP IP को कहा जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा सा जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक भी पता नहीं है, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा TCP IP की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि नीड इसकी क्यों पड़ी। तो नीड की बात करें तो देखिएगा, जब भी हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन बोले तो संचार की बात कर रहे हैं, और संचार का मतलब है कि सेंडर से रिसीवर, सेंडर टू रिसीवर मीन्स, यानी कि प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक, सेंडर टू रिसीवर अर्थात सेंडर से जो भी डेटा को भेजा जाएगा रिसीवर के लिए, तो इसके बीच में हमको किसकी जरूरत पड़ती है? संचार माध्यम की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन मीडियम 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 की जरूरत होती है। तो जब भी सेंडर से रिसीवर के बीच में डेटा का क्या होगा? कम्युनिकेशन होगा, संचार होगा, ठीक है, तो कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू होगा। और इसी प्रकार से ये तो एक यूजर टू अनोदर, सेकंड यूजर की बात हुई, जब हम एक यूजर से अनेक, दो या दो से अधिक यूजरों के बीच में डेटा को कम्युनिकेट करेंगे, तो उसके लिए हमको किसकी जरूरत होगी? उसके लिए हमको जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी किसकी भाई? नेटवर्क की। तो हम क्या इस्टेब्लिश करेंगे? नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगे, और जब भी नेटवर्क के माध्यम से डेटा का संचार होता है तो किसके तहत होगा? कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत होगा, कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत होगा, प्रोटोकॉल्स के तहत होगा। और प्रोटोकॉल के रूप में पहली बार जिस प्रोटोकॉल को यूज किया गया वही प्रोटोकॉल आपका कौन सा था? TCP IP यूज किया गया था। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं किसी भी नेटवर्क के अंतर्गत, तो नेटवर्क मीन्स दो से अधिक आपके यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन होगा डेटा का, तो हमको प्रोटोकॉल्स यानी विशेष प्रकार के सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और उसी के लिए पहली बार जो रूल बनाया गया था, जिसको नाम दिया गया था TCP IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल /इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। और याद रखिए,
इसी को यानी कि TCP/IP को ही क्या कहा जाता है, TCP/IP को ही कहा जाता है प्रोटोकॉल सूट, प्रोटोकॉल सूट। अर्थात सूट यानी क्या होता है, समूह, यानी कि प्रोटोकॉल का समूह कहा जाता है। बिना TCP/IP के कम्युनिकेशन स्थापित कर पाना असंभव था शुरुआत में, ठीक है। और यह मॉडल अगर हम बात करें तो वैसा ही मॉडल की तो आप जानते ही होंगे बारे में। तो अगर हम TCP/IP अगर वर्किंग की बात करें, ये वर्किंग में कब आया, तो TCP/IP जो वर्किंग मॉडल, ये जो वर्किंग मॉडल के रूप में जब भी बना या काम में लिया गया था, तो ये 1983 में काम में लिया गया था। यानी कि अगर इसकी वर्किंग की बात करें, कार्य में कब आया, तो याद रखिएगा 1983 में आया था, ठीक है। और अगर हम छोटी सी बात करें, तो अभी बताया था मैंने आपको TCP/IP जो प्रोटोकॉल सूट है या मॉडल है, अगर इसकी वर्किंग की बात करें तो ये 1983 में, और OSI मॉडल की बात करें तो ये कब वर्किंग में आया था, OSI मॉडल वर्किंग में आया था 1984 में। अगर हम देखें बेसिक सा डिफरेंस, तो TCP/IP आपका OSI मॉडल से पहले आया था, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। TCP/IP मॉडल OSI मॉडल से पहले आया था, इस बात को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जिस प्रकार से हम OSI मॉडल के बारे में विविध बातों को जानते हैं, पहले से परिचित हैं, तो उसी प्रकार से इसमें भी TCP/IP के अंतर्गत, TCP/IP मॉडल के अंतर्गत भी, जैसे OSI मॉडल में आपकी कितनी लेयर थी, 7, उसी प्रकार से TCP/IP मॉडल में शुरुआत में कितनी लेयर थी, 4। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम बात करें, तो वर्तमान में याद रखिएगा, वर्तमान में अभी लेयरों की संख्या कितनी है, 5, क्योंकि इसके अंतर्गत जो अंतिम लेयर थी नेटवर्क लेयर, उसको दो पार्टों में डिवाइड कर दिया है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ठीक है। बट आप याद रखिएगा, इन ओरिजिनल TCP/IP मॉडल में लेयर्स की जो संख्या थी, लेयर की जो संख्या थी वो कितनी थी, शुरुआत में 4 थी, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को फॉर्मेट करे। तो अभी लेटेस्ट पूछे तो आपको 5 आंसर करना है, और ओरिजिनल मॉडल दे कीवर्ड या शुरुआती दौर के बारे में बताए, शुरुआत स्टार्टिंग मॉडल जो TCP/IP था उसमें लेयरों की संख्या कितनी थी, तो आप याद रखेंगे कितनी थी, 4 थी। आगे अगर हम देखें, जो आपका ओरिजिनल TCP/IP मॉडल था, कौन सा, उसके बारे में देखिएगा, लेयरों का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम, लेयरें किस प्रकार से थी इसमें। तो अगर हम देखें तो आप याद रखिएगा, ओरिजिनल जो आपका TCP/IP मॉडल था, तो उसमें एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक में आप याद रखिएगा, अनीता, ANITA, बट इस अनीता को आप किधर से लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, सॉरी, इसमें अनीता नहीं है, अनीता तो मैंने याद करके रख रखा है, इसे याद रखिए आप, नीता से, NITA, और नीता को क्या रखेंगे, उल्टा करके, तो ATIA, ATIA, दैट मीन्स हम देखेंगे, देखिएगा एकदम से आपको ये याद हो जाएगा आसानी से।
ए मीन्स होगा आपका जो पहली लेयर जिसे जाना गया था टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर, वो आपकी किस नाम से जानी जाती थी? एप्लीकेशन लेयर के नाम से। दूसरी लेयर की अगर हम बात करें तो उसे हम ट्रांसपोर्ट लेयर के नाम से जानते थे। तीसरी की अगर हम बात करें तो उसे हम किसके नाम से जानते थे? इंटरनेट लेयर के नाम से। और चौथी लेयर की अगर हम बात करें तो हम इसको किस नाम से जानते थे? देखिएगा ये गलत लिख दिया है मैंने, उल्टा करके लिखेंगे तो एन आएगा हमारा यहाँ पे, क्या आएगा? एन आएगा यहाँ पर, और एन मीन्स जो हमारा होगा वो होगा नेटवर्क लेयर। तो ये जो हमने बात करी आपके साथ में, ये बात करी थी शुरुआती मॉडल की। अब इसी में हम याद रखेंगे कि बाद में इसे बदल करके क्या कर दिया था, चार लेयर से पांच लेयर में कन्वर्ट कर दिया था। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो शुरुआती दौर में आपके नंबर ऑफ लेयर थी, नंबर ऑफ लेयर्स थी वो कितनी थी? चार। बट आफ्टर नंबर ऑफ लेयर्स कितनी हो गई थी? पांच। अब देखिएगा पांच में अगर हम बात करें तो कौन कौन सी हो गई थी, तो आप याद रखिएगा कि एप्लीकेशन लेयर आपकी यों की यों उसी नाम से जानी गई, एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर भी उसी नाम से जानी गई, इंटरनेट लेयर भी उसी नाम से जानी गई। बट अगर हम किसकी बात करें, अगर हम नेटवर्क लेयर की बात करें तो इस नेटवर्क लेयर को इन्होंने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? टू पार्ट में डिवाइड कर दिया था। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था? जो नेटवर्क लेयर का पहला भाग जाना गया था वो कहलाया आपका कौन सा? डेटा लिंक लेयर। याद रखिएगा कौन सा? डेटा लिंक लेयर के नाम से। और जिसको किस नाम से जाना जाता है? डीएलएल। और दूसरा जो भाग कहलाया नेटवर्क लेयर का सेकंड पार्ट, फिजिकल लेयर के नाम से जाना गया। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी टीसीपी आईपी मॉडल से रिलेटेड। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक को आप आसानी से याद रख पाएंगे, ठीक है? नीता याद रखिएगा, नीता को हम उल्टा करके लिखें तो ATIN ये हो जाएगा। ए मीन्स एप्लीकेशन लेयर, ठीक है? सॉरी, टी मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर, आई मीन्स इंटरनेट लेयर, एन मीन्स नेटवर्क लेयर। स्टार्टिंग की बात करें तो कितनी लेयर थी? चार लेयर थी। और वर्तमान की बात करें, आरआरबी जेई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आरआरबी जेई के अंदर, आरआरबी जेई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीसीपी आईपी में वर्तमान समय में कितनी लेयर हैं। तो आप याद रखिएगा नंबर ऑफ लेयर्स हैं पांच। कितनी लेयर्स हैं? पांच। यही राइट आंसर माना गया था। बाकी क्वेश्चन के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप जरूर याद रखिएगा। चलिएगा अब इसी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो आपसे पूछ लिया जाता है टीसीपी आईपी मॉडल वर्सेज ओएसआई मॉडल, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिएगा टीसीपी आईपी जो मॉडल था ना,
टीसीपी आईपी जो मॉडल था उसी के आधार पर जो ओएसआई मॉडल था वो डिजाइन किया गया था। तो याद रखिएगा, टीसीपी आईपी मॉडल के अंतर्गत जो चौथे नंबर की आपकी लेयर थी, एप्लीकेशन लेयर, इसी को कितने भागों में डिवाइड कर दिया था? तीन भागों में डिवाइड कर दिया था। हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था टीसीपी आईपी के लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, NITA, और इसको हम क्या लिखेंगे, उल्टा, क्योंकि वरीयता का क्रम अगर हम देखें तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थ्री है, ये फोर नंबर की लेयर है। इसलिए आपको नाम तो क्या याद रखना है, नीता, नीता नाम याद रखना है, ठीक है। अगर आप सोच लो कि उल्टा लिखवा रहे हैं तो इसका मतलब ए का ए एप्लीकेशन लेयर नंबर वन की लेयर है, नहीं, लेयर का जो क्रम क्रम है वो नीचे की तरफ से डिसाइड होगा। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो आपका क्या होगा, टी, ट्रांसपोर्ट लेयर, कभी नहीं भूल पाओगे आप, ट्रांसपोर्ट लेयर। अगर हम टू की बात करें, लेयर नंबर टू, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, इंटरनेट लेयर। और लेयर नंबर वन की बात करें हम टीसीपी आईपी मॉडल की, तो वो हो जाएगी आपकी नेटवर्क लेयर। या लेटेस्ट की बात करें तो नेटवर्क लेयर को हम लोग कितने पार्टों में डिवाइड कर दिए भाई, टू पार्टों में डिवाइड कर दे, याद रखिएगा, DLL डेटा लिंक लेयर और PHYSICL फिजिकल लेयर। और आगे चल के भी हम देखेंगे कि इसी नेटवर्क इंटरफेस लेयर को OSI मॉडल के अंतर्गत भी कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया था, टू पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था। तो देखिए, चार लेयर ये थी। अगर हम एप्लीकेशन लेयर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दें भाई, थ्री पार्ट में डिवाइड कर दें, तीन लेयर ये हो गई। और नेटवर्क लेयर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दें, टू में डिवाइड कर दें, तो तीन और चार कितनी हो जाएंगी, सात लेयर होंगी, नहीं होंगी भाई। तो यही सेवन लेयर वाला मॉडल जिस नाम से जाना गया था वो कौन सा ना कहलाया, वो OSI मॉडल कहलाया, सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन। अब देखिएगा, एप्लीकेशन लेयर जो थी उसको OSI मॉडल के अंतर्गत कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, तीन पार्टों में डिवाइड किया गया, तीन अलग अलग नामों से जानी गई। तो पहला जो नाम था वो था आपका एप्लीकेशन लेयर के नाम से ही जानी गई। उसके बाद में अगर हम देखें तो इसको सेकंड पार्ट जो नाम दिया गया था, सेकंड नाम दिया गया था वो दिया गया था प्रेजेंटेशन लेयर के नाम से जानी गई। और थर्ड नंबर, अगर थर्ड देखें तो फिफ्थ नंबर पे आएगी वो लेयर, तो उसका जो नाम दिया गया था वो दिया गया था सेशन लेयर। अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो सेम नाम रहा था, ट्रांसपोर्ट लेयर ही। नेटवर्क लेयर की बात करें तो सेम नाम से जानी गई, नेटवर्क लेयर के नाम से ही, नेट सॉरी इंटरनेट लेयर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया भाई, इंटरनेट लेयर के नाम से ही जानी गई। और नेटवर्क लेयर को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया था, तो नीचे भी मैंने बताया था डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इस प्रकार से टीसीपी आईपी मॉडल का फॉर्मेशन किसमें कर दिया गया, ओएसआई मॉडल में कर दिया गया। और ओएसआई मॉडल
जो डिजाइन किया जो बनाया गया उसके अंतर्गत मुख्य इस प्रकार से सेवन लेयर्स का निर्माण हुआ। तो आप याद रखिएगा ये सारी बारीकियां जितनी भी मैंने आपको बताई वो सारी TCP/IP से संबंधित थी। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ आपके लिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंस रखता है, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो देखिएगा, हमने शुरुआत में बात करी थी TCP/IP जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक छोटा सा टॉपिक है आपका। TCP/IP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी और भी छोटी छोटी सी बारीकियां कुछ रह गई। अगर हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात करें तो अगर देखें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, देखिए यहाँ प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं मैं, मॉडल के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल दोनों थोड़ा अलग अलग अहमियत रखते हैं। अगर मैं ट्रांसमिशन कंट्रोल की बात करूं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल जो प्रोटोकॉल होता है ये एक प्रकार का कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। दूसरी बात आप याद रखिएगा, ये रिलायबल होता है। तीसरी बात आप याद रखिएगा, जब भी सेंडर से रिसीवर की तरफ डेटा ट्रांसमिट किया जाता है तो कुछ पैकेट तो ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके बाद में पैकेट आना बंद हो जाता है, तो इसमें रीट्रांसमिट करने की, री डेटा को रीट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है। और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात करें तो इसको मल्टीमीडिया के अंदर यूज नहीं किया जाता, यूज नहीं किया जाता है। ये बात आप जरूर से जरूर याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अर्थात ये केवल और केवल टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, देखिएगा कनेक्शन ओरिएंटेड है, जबकि अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो दो तीन बातें इसकी भी याद रखिएगा, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। और कनेक्शन लेस की जब भी बात आती है तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर की कौन सी सर्विस का उपयोग करेगा, यूडीपी का, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी का पूरा नाम होता है। ठीक है, यूडीपी पे भी बात करेंगे, ये एक तरीके से कनेक्शन लेस होता है। इसका अगर उपयोग की बात करें, यूडीपी मैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है, मैपिंग पे आगे चल के हम बात करेंगे। ठीक है, कनेक्शन लेस। दूसरा, जब TCP रिलायबल होता है तो ये अनरिलायबल होता है। ठीक है, और ये कभी भी, क्योंकि कनेक्शन लेस एक बार जब कनेक्शन ब्रेक हो गया तो डेटा फिर से ना थोड़ी ट्रांसमिट करेगा, तो ये नॉट रीट्रांसमिट डेटा। ये मुख्य बातें हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कामगार साबित हो सकती हैं, तो आप इनको जरूर याद रखें। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे फिर हमने आगे चल के पढ़ा था TCP/IP की नीड क्यों हुई, यानी कि TCP/IP हमने काम में क्यों लिया। तो जब भी कम्युनिकेशन की बात हुई, कम्युनिकेशन के बाद में नेटवर्क की बात आई, तो नेटवर्क के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रूलों को काम में लेना पड़ा, कुछ नियमों का विशेष रूप से एक पैकेट की जरूरत पड़ी थी, तो हमने शुरुआत दौर में TCP/IP को ही चुना। चलिए, TCP/IP के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल सूट है, क्योंकि प्रोटोकॉल का ही, प्रोटोकॉल्स का समूह है। इसी में हम बात करेंगे आगे चल के, HTTP की बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे आगे चल के, प्रोटोकॉल टॉपिक को हम अलग से कवर करेंगे। अगर हम इसके वर्किंग की बात करें कि ये वर्किंग मॉडल के रूप में कब उभरा, तो 1983 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था। TCP/IP मॉडल
कब आया तो बात करें तो ओएसआई मॉडल से पहले आया था। ओएसआई मॉडल 1984 में आया था, जबकि टीसीपीआईपी मॉडल 1983 में आया था। टीसीपीआईपी ओरिजिनल मॉडल के अंदर अगर लेयरों की संख्या पूछी जाए तो आप याद रखिएगा 4 थी, लेकिन करंट में अगर हम देखें तो लेयर्स की नंबर कितना है, 5 है। ठीक है, ओरिजिनल टीसीपीआईपी मॉडल में अगर आपसे लेयर्स पूछे तो आप कितना बताओगे, 5 बताओ। ठीक है, ओल्ड के अंदर पूछे तो कितनी बताओगे, 4 बताओगे। 4 कौन कौन सी थी, तो मैंने आपको बोला था नीता याद रखिएगा। नीता क्यों याद रखना है, क्योंकि नंबर वन जो लेयर थी, नंबर वन जो लेयर वो थी एन यानी कि नेटवर्क, नंबर टू लेयर जो थी हमारी इंटरनेट, और नंबर थ्री लेयर थी वो थी हमारी ट्रांसपोर्ट, और नंबर फोर जो लेयर थी वो थी एप्लीकेशन लेयर। आगे चल के इस मॉडल के अंतर्गत जो नेटवर्क लेयर थी उसको कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया, टू पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहली डीएलएल डेटा लिंक लेयर के नाम से जानी गई, और दूसरी फिजिकल लेयर के नाम से जानी गई, बाकी की सेम थी। और इसी आधार पर, इसी के बेसिस पर हमने किसका निर्माण किया, ओएसआई मॉडल को डिजाइन किया। तो ये बेहद जानकारी जो थी टीसीपीआईपी से रिलेटेड वो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। अगर आपको क्लास का ये सेशन अगर पसंद आया हो तो आप क्लास को एक बार जरूर लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स।